बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद क्यूएनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और जनाब, आज आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आए हैं बेहद मज़ेदार और झटपट बनने वाली, बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट रेसिपी। और वो रेसिपी है ब्राउनीज़ की रेसिपी। जी हाँ, चॉकलेट ब्राउनीज़ जो कि सबकी फेवरेट होती हैं, आप किसी भी टाइम बना लें, घर में मिनटों में चट हो जाती हैं और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। जो रेसिपी मैं आज आपको बताऊंगी, उसमें आपको तमाम चीज़ें अपने घर के किचन से ही मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ बाज़ार से बाय करने की ज़रूरत इंशाल्लाह ताला नहीं पड़ेगी और बेहद आसान रेसिपी है। और बच्चे तो इसके दीवाने होते हैं। आजकल सर्दियां हैं, आप कॉफ़ी के साथ सर्व करें या कभी कभी यूं ही भूख लग जाती है, लॉकडाउन दोबारा से शुरू हो गया है, तो ये बनाएं, अपने बच्चों को और बड़ों को खिलाएं और तारीफ़ वसूल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप मेजर करके लिया है प्लेन फ्लावर, जो कि मैदा जो पराठों वगैरह के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। 1 कप ली है हमने चीनी, जो घर की रेगुलर शुगर होती है, इसको मैंने ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है, आपको अलग से कोई शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 अदद हमने लिए हैं अंडे। 150 ग्राम हमने लिए है कुकिंग चॉकलेट, अगर कुकिंग चॉकलेट नहीं हो तो डेरी मिल्क वगैरह जो भी आपके घर में हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोको पाउडर लिया है हमने 1/4 कप। बेकिंग पाउडर हमने लिया है 1 टेबलस्पून। वैनिला एसेंस लिया है हमने 1 टीस्पून। और हमें ऑयल चाहिए होगा 1/4 कप, ये भी हमने मेजर करके यहाँ पे रख लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल क्योंकि सबके पास घर में आसानी से अवेलेबल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। अब हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल ले लेंगे जो हीट प्रूफ होगा, और इसमें हम अपनी चॉकलेट डाल देंगे। और इसके बाद जो हमने 1/4 कप ऑयल मेजर करके रखा है, या बटर जो भी आप लेना चाहें वो डाल के, इसको हम डबल बॉयलर में मेल्ट कर देंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन हो तो आप माइक्रोवेव ओवन में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, मकसद सिर्फ मेल्ट करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने एक स्टील का एक सॉस पैन रखा, उसके अंदर पानी डाला, उसको चूल्हे पर रखा और उसके ऊपर अब मैंने ये बाउल रख दिया। अब ये चॉकलेट आसानी से मेल्ट हो जाएगी। एक अलग बॉल में हम 3 अदद अंडे तोड़ लेंगे। आप कोशिश करें कि तीनों अंडों को अलहदा तोड़ें और फिर उसके बाद शामिल करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अंडा जो है वो ख़राब निकल आता है और उसकी वजह से बाकी के जो आपके एग्स का मिक्सचर है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आप हमेशा इसी तरह किया कीजिए, अंडों को सेपरेटली तोड़ा कीजिए, उसके बाद शामिल किया कीजिए। अब हम एक बीटर की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप हैंड विस्क से भी बीट कर सकते हैं, बस फ़र्क ये है कि उस पर ज़रा मेहनत और टाइम ज़्यादा लगेगा। जो शुगर हमने ली थी पाउडर वाली 1 कप, अब वो थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें डालते जाएंगे। एक साथ डालेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा आपको बीट करना, लिहाजा हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करते जाएंगे और इसका एक बहुत ही फ्लफ़ी सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर रेडी हो गया। अब इस बैटर में ये जो मेल्टेड चॉकलेट हमने रखी थी ऑयल के साथ मेल्ट होने के लिए, वो हम शामिल कर देंगे। लेकिन ख्याल रखिएगा कि जो आप चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो वो बहुत गर्म होगी, पहले आप उसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद आप इस मिक्सचर में शामिल करेंगे, वरना आपके अंडे जो हैं वो पकने शुरू हो जाएंगे। तो जनाब, ये हमारा मिक्सचर जो है मिक्स हो रहा है। अच्छा, बहुत हल्के हाथ से आप इसको फोल्ड कीजिएगा। मैं चाहती तो मैं बीटर से भी कर सकती थी, लेकिन बीटर से करने से क्या होगा कि ये जितनी हमने इसको बीट करने के बाद इसके एग वाइट जो हैं वो फ्लफ़ी हो गए ना, वो सारा फ्लफ़ीनेस ख़त्म हो जाएगी। अब जनाब, हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हमने इसमें मैदा डाला है और इसको छान लेंगे। छानने का मकसद ये होता है कि कोई गुठली या कोई चीज़ इसमें अगर हो तो वो सब की सब शामिल हो जाए और साफ़ हो जाए। अब इसके साथ कोको पाउडर भी डाल देंगे और इसको छान लेंगे। इससे ये बहुत अच्छी तरह एक जान भी हो जाते हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं इसी बाउल में छान रही हूँ, आप चाहें तो इसको सेपरेट किसी बाउल में या ट्रे में भी छान सकते हैं, आपको जैसे सहूलत हो। इसमें ही हम बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे
और अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैं स्पैचुला की मदद से इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो इसकी बैटर की फ्लफीनेस है ना वो ख़त्म नहीं हो। वैसे तो 2 मिनट लगेंगे, ये सब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर किसी भी स्टेज पे आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दूध भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा बैटर जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। मैं इसमें वेनिला एसेंस शामिल करूँगी 1 टीस्पून। इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है और कुछ लोगों को जिनको अंडे की महक पसंद नहीं होती है उनके लिए भी वेनिला एसेंस बहुत अच्छा रहता है। अब ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। हमने देखें एक टिन लिया है, स्क्वायर टिन में यहाँ ले रही हूँ क्योंकि ब्राउनीज स्क्वायर शेप में ही अच्छी लगती है, और मैंने इसके ऊपर बटर लगा के और उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। ऐसा करने से ब्राउनी जो है वो केक के पैन की बेस के साथ चिपकेंगी नहीं और आराम से निकल आएंगी। अब मैं इसको 2 से 3 बार टैप कर लूँगी ताकि अगर इसमें कुछ एयर वगैरह मौजूद है तो वो निकल जाए। मैंने एक पतीली ले ली थी, उसको चूल्हे पर रख दिया था 5 मिनट के लिए, और उसके अंदर मैंने एक कोई भी पतीली रखने का स्टैंड आप रख लें और फिर उसके बाद ये टिन रख दें। और अब इसको मैंने कवर कर दिया है और मैं इसको तकरीबन 20 to 25 मिनट्स कुक करूँगी। 25 मिनट्स हो गए हैं, अब इसको देख लेते हैं। आप कोई भी नाइफ या जो शॉशलिक स्टिक होती है वो डालकर आप चेक कर लें। ये जो ब्राउनी हमने बनाई है इसमें छुरी साफ़ आनी चाहिए, लेकिन जो चॉकलेट फज ब्राउनी होती है जिसमें चॉकलेट की मकदार ज़्यादा होती है उसमें नाइफ थोड़ी सी ख़राब निकलती है, लेकिन इसमें बिल्कुल साफ़ नाइफ आएगी। और ये देखें जनाब कितना अच्छा सा बेस हमारा रेडी हुआ है, और आप यकीन मानें ये इतनी मज़ेदार और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि बच्चे चलते फिरते इनको मिनटों में ख़त्म कर लेते हैं। अब मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी, आप जितने बड़े चाहें पीसेस इसके कट कर सकते हैं। और ये बना के आप आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं और आजकल तो वैसे ही मौसम बहुत अच्छा है, इस पर फंगस भी नहीं आएगा। ये आप रखें और अपने बच्चों को किसी भी टाइम जब भी उन्हें भूख लगे बना के दें। अच्छी साफ़ सुथरी हेल्दी, और ये आप देखें कितनी सॉफ्ट है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। जनाब अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिए, और मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये ब्राउनी ज़रूर बनाइएगा और बनाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी और आपके घर वालों को ये रेसिपी पसंद आई या नहीं। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।